लॉकडाउन के खुले आम राज कलेक्शन कलेक्टरगंज में उड़ाई जा रही धज्जियां, शटर गिराकर किया जा रहा व्यापार, ग्राहकों की उमड़ रही है भीड़, वायरल वीडियो में खुली चौकन्ना पुलिस की पोल। फतेहपुर से खबर, प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 17 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है। इस दौरान लॉकडाउन को 100% सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन को सफल बनाने में पुलिस की कार्यशैली चिंता का विषय है। मार्गों पर घूमते लोग, बाजारों में खुल रही दुकानें इस बात को प्रतीत करती हैं कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन को सफल बनाने में पुलिस की लचर नीति काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसकी बदौलत लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की कड़ाई से पालन कर रहे हैं। और यह सब तब भी हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कोरोना वायरस की कड़ाई से पालन करने की जहां जनमानस से अपील कर रहे हैं, वहीं जिम्मेदारों से कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ताजा मामला शहर के कलेक्टरगंज इलाके के स्थित राज कलेक्शन में देखने को मिला, जहां पर कपड़ा शोरूम के संचालक द्वारा भारी तादाद में लोगों को शोरूम के अंदर प्रवेश कराया जाता है और फिर से शोरूम का शटर गिराकर दुकानदारी लगातार की जा रही है। राज कलेक्शन में जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ रही है, यह चिंता का विषय है। राज कलेक्शन के मकान मालिक द्वारा जिस तरह कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए कोरोना नियमों को ताक पर रखकर व्यापार किया जा रहा है, या अपने आप में प्रशासन को मुंह चढ़ाने जैसा है। इंडिया समाचार से ये थी हमारे संवाददाता अनिल कुमार की रिपोर्ट, जिला संवाददाता फतेहपुर से।